الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبهم الأجمعين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Islamic law of contract के मुतालिक मुनाकिद होने वाले इन सेशंस में एक मरतबा फिर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम सैयद मज़हर अब्बास जैदी है और इन प्रोग्राम्स को मुनाकिद किया है अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल ने, जो कि गुज़िश्ता 15 साल से अपनी खिदमात इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से लोगों तक अपनी खिदमात पहुँचा रहा है। गुज़िश्ता सेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हवाले से बात की थी। 2 सेशन में हमने इब्तदाई आयात अहदीस की रोशनी में इस्लाम की माशी तालीमात, किसी भी अक्द की क्या तारीफ है, उसके अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, मुख्तलिफ जो अकसाम अक्द हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उस टाइप की बुनियाद पर उसके जो रिलेटेड राइट एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके हल से बात शुरू की थी। और कल हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर बात की, जिसे हम अक्द बै कहते हैं। अक़्द बै की कुछ हमने बुनियादी शराइत के ऊपर गौर व फिक्र किया और उसके बाद फिर हमने जो जदीद मौजूआत हैं उसके ऊपर रोशनी डाली, जिनमें बिलखसूस डिजिटल करेंसी के हवाले से, और उसका नतीजा ये निकला कि डिजिटल करेंसी डिजिटल होना खुद कोई मसला नहीं है, और अगर उसको बहैसियत एक करेंसी अगर हम देखना चाहें तो करेंसी के एतबार चूँकि जो हुकूमती इदारे हैं वो करते हैं, लिहाजा करेंसी के नहीं है तो हुकूमती एतबार जब तक ना हो हम उसे करेंसी नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ उसको खरीदने और बेचने की बात करें करेंसी के अलावा, यानी जब तक वो लीगल टेंडर नहीं बनता, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि फुकाए कराम की आरा में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज ने जिन्होंने कहा है कि कोई भी चीज जिसको बेचा जाता है उसका वजूद खारजी होना जरूरी है, तो वो उनके नजदीक बिटकॉइन को बेचना दुरुस्त शुमार नहीं होता क्योंकि इसका कोई वजूद खारजी नहीं है, जबकि बाज कहते हैं कि नहीं, वजूद खारजी होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज माल शुमार होती हो तब भी जायज है, लिहाजा बिटकॉइन को बेचा जा सकता है। वो इस बात को जायज करार देते हैं, जिनमें बिलखसूस आयतुल्लाह शुबैर रंजानी, जिन्होंने इसको जायज करार दिया इसकी मालियत के एतबार की वजह से, और शरण इसके अंदर कोई रुकावट नहीं। अलबत्ता इसके अंदर गरर बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी इसकी अपनी वैल्यू के अनसर्टेन होने में, और इसके अंदर कमार का अंदेशा भी पाया जाता है। और चूंकि डिजिटल कॉइन्स बहुत सारी अकसाम के होते हैं, हम सारी किस्मों की बात नहीं कर रहे, अगर हम बिलखसूस बिटकॉइन के तनाजुर में बात करें, तो अगर इस गरर को मैनेज कर लिया जाए और साथ ही गरर को मैनेज करने के साथ ये आज जो कमार के लिए, गैम्बलिंग के लिए, सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर इस चीज़ को रेगुलराइज कर लिया जाए, यकीनन चांसेस हर चीज़ में रहते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ ज़रा ज़्यादा मुनज़्ज़म हो जाए तो फिर इसके इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह बास फुकाए कराम ने फरमाया भी है कि बिटकॉइन का जवाज है, अलबत्ता जब हुकूमत इसकी इजाज़त दे, हुकूमत की इजाज़त से मशरूत किया, और हुकूमत की इजाज़त का मतलब सिर्फ इजाज़त नहीं है बल्कि इसके लिए कवानीन बना दिए जाएँ और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए निज़ाम बनाया जाए, इसके इस नेचर को एडमिनिस्टर किया जाए, तो इंशाल्लाह फिर कोई हर्ज नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से भी हमने जिक्र किया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर कोई वाकई ट्रेड होती है, यानी चीज़ सेल होती है और परचेज होती है नेशनल प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से, देखें वो तो कर्ज की है ना, मैं वो पहले बता चुका हूँ नेशनल प्राइस बॉन्ड्स का, वो इंशाल्लाह भी आज हमारे पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएगा, नेशनल प्राइस बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग स्कीम्स, या अभी हम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो परचेज और सेल पे मुश्तमिल होते हैं। जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, लीजिंग की बात करेंगे, एजेंसी की बात करेंगे, उसमें हम उन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और मैं फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करूंगा, बजाय इसके कि हम किसी खास प्रोडक्ट का नाम लें, हमें उस प्रोडक्ट के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप काम कर रहे हैं पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझें। मैं काफ़ी दिनों से इस बात पे बहुत ताकीद कर रहा हूँ कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखें। अगर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज है तो ये 4-5 शराइत, मोटी मोटी शराइत मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का है तो एजेंसी की शराइत आ जाएंगी, अगर वो पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप की है, कर्ज है तो कर्ज मैं आपको बता चुका हूँ, कर्ज चूंकि एक नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, और हमारी बात कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है, नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट में तो किसी किस्म के इजाफे की गुंजाइश नहीं है।
और जहां तक कि रही इन्फ्लेशन की बात या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, तो वो कल मैं तफसील से बता चुका हूँ। उसमें फुकाए कराम के इख्तलाफ को भी, मुख्तलिफ उसके अंदर नजरियात को भी, उनके इश्कालात को भी, उनके जवाबात को भी, तो उसके लिए आप कल के लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर कोई रियल ट्रेड होता ही है, चाहे वो करेंसी की ट्रेड होती हो, चाहे वो गुड्स की ट्रेड होती हो, अगर करेंसी की ट्रेड होती है तो उसके अंदर भी करेंसी मौजूद होना चाहिए। अगर बाकायदा एक करेंसी के आप मालिक हैं, आपके अकाउंट में करेंसी मौजूद है और आप उसको फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसको बेच देते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है इसी तरह कोई चीज में। हाँ, अलबत्ता अगर ट्रांजेक्शन सोने और चांदी की हो रही है, तो सोने और चांदी में तमाम फुकाए कराम, चाहे अहले तशय्यु या अहले तसन्नुन हो, सबने कहा है कि उसके अंदर पजेशन रियल टाइम में होनी चाहिए। रियल टाइम का मतलब है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो डेफर्ड ना हो, क्रेडिट के ऊपर ना बेचा जाए कि आज सोना बेचा है और बाकी जो आपको दूसरा चांदी मिलेगी वो बाद में मिलेगी। ये सोने चांदी का खास हुक्म है। आया नोटों के अंदर भी इसकी जरूरत है या नहीं है, इसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। जाहिर है कि इमामिया के नजदीक चूंकि नोट जो है वो खुद सोना चांदी नहीं है अभी, और ना सोने चांदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि फियाट करेंसी है। इसका एतबार एतबार है, फकत महज एतबार है, हुकूमती एतबार। लिहाजा इसके अंदर बैउस सर्फ के यानी सोने चांदी के अहकाम जारी नहीं होंगे। लिहाजा इसके अंदर पजेशन रियल टाइम पजेशन होना जरूरी नहीं है। और जब भी हम पजेशन की बात करते हैं, तो पजेशन का ये मतलब नहीं होता है कि हम हाथ में कोई चीज ले लें, बल्कि हमें अख्तियार मिल जाए, जिसकी तारीफ शेख मुर्तजा अंसारी ने किताब अल मकासिद में की, इस्तीला उल मुश्तरी अल मबी, यानी उस चीज के ऊपर जो चीज खरीदी गई है उसके ऊपर खरीद लेना। T+2 एक ने कहा T+2 रियल ट्रांजेक्शन होती है, स्टॉक मार्केट में एक ट्रांजेक्शन होती है T+1 T+2 के नाम से। बुनियादी तौर पर ट्रांजेक्शन आज होती है, सेटलमेंट 2 दिन बाद होती है। तो शरई एतबार से ट्रांजेक्शन का एतबार होता है, रजिस्ट्रेशन का एतबार नहीं होता। यानी अगर मैं आज किसी से घर खरीद लेता हूँ कोई, और मैं उसको रजिस्टर अपने घर पे नहीं भी करवाऊँ अपने नाम पर, तब भी मैं उसका मालिक बन जाता हूँ। और दूसरा जो शख्स है, देखें अगर दो चीजें हैं, अभी मैं फॉरेक्स भी बता देता हूँ और ये पहले T+2 बता दूं। शेयर्स की ट्रांजेक्शन इस तरह होती है कि शेयर्स बेच दिए जाते हैं आज की तारीख में, लेकिन उसकी सेटलमेंट CDC में यानी मेरे अकाउंट में आती है और वो 2 दिन बाद आती है। शेयर्स की ट्रांजेक्शन इस तरह काम करती है कि आप ब्रोकरेज के थ्रू शेयर खरीदते या बेचते हैं, आप खुद नहीं कर सकते। तो जो भी काम होता है वो एजेंसी के थ्रू होता है, तो एजेंसी भी अभी हम पढ़ेंगे, उसको भी आप जहन में रखिएगा। और खरीदो फरोख के अहकाम भी मैं आपको बताता चलूँ। जब हम आज ट्रांजेक्शन करते हैं और मैं शेयर बेच देता हूँ, तो शरई एतबार से इंतकाले मिल्कियत हो जाती है, और हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कुछ PSX के साथ मिलकर, मेरी भी कुछ उसके अंदर वाबस्तगी है। तो उसमें जब डिटेल्ड हमने थॉरली डिस्कशन किया, तो पता चला कि आप जब शेयर बेच देते हैं तो उसका जो रिस्क है वो उसी दिन आपके पास आ भी जाता है काइंडली। हाँ, ये एक ऐसा है, इसका क्वेश्चन अगर हम बाद में रखें तो ज्यादा बेहतर, लेकिन बहरहाल ये दो चीजों को मैं तमाम कर दूं। तो रिस्क जो है लीगली भी ट्रांसफर हो जाता है, एसेट का रिस्क, उसके ऊपर हम रियल पजेशन के लिए के पजेशन भी आ जाती है, यानी रिस्क ट्रांसफर होता है या नहीं होता, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों चीजें, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन T+2 ट्रांजेक्शन करना जायज है, गलत नहीं है, मगर ये कि आपके पास शेयर होने चाहिए जब आप बेच रहे हैं, या फिर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट होना चाहिए शेयर के अंदर। ये स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज हैं। हाँ, अगर ब्लैंक सेल हो रही है तो ब्लैंक सेल दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है, यानी अभी आपके पास शेयर नहीं है, शेयर आपने उधार नहीं है, शेयर आपको मिल जाएंगे और फिर आप उसको डिलीवर कर देंगे, तो ठीक है। इसी तरह से T+2 में अगर उसकी सेटलमेंट 2 दिन बाद भी होती है CDC में, कोई हर्ज नहीं है, वो जायज है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसी में ट्रेड करना कोई हर्ज नहीं है, जिस तरह हम कोई चीज बेचते हैं इस तरह करेंसी को भी बेचा जा सकता है। हाँ, करेंसियां दोनों अलग होनी चाहिए, अगर हम रुपए को रुपए के बदले बेच रहे हैं तो मसले अलग होंगे, अगर रुपए को डॉलर के बदले बेचते हैं, डॉलर के बदले हम होल्ड कर रहते हैं करेंसी, और करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है और फिर मैं उसको सेल कर दूँ। तो मैंने आपसे देखे अर्ज का कि करंट जो ट्रांजेक्शन है वो रियल होनी चाहिए, यानी बाज औकात ऐसा रहा है देखने में आता है कि वो सिर्फ लिमिट्स होती हैं, क्रेडिट्स सेल होते हैं, यानी मुझे लिमिट्स मिल गई और मैं लिमिट की बुनियाद पे बेच रहा हूँ, मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, चूंकि मार्केट चलती है इस तरह से, किसी ने इस तरह खरीदा हुआ है, किसी ने इस तरह बेचा हुआ है, तो ये इस तरह मार्केट का होना शरई मसले को नहीं बदलेगा, वो दुरुस्त नहीं होगा, मार्केट को ठीक होने की जरूरत है। तो चाहे फॉरेक्स के अंदर करेंसी ट्रेड हो या फिर किसी गुड्स की ट्रेड होती हो, वो दोनों सूरतें जायज हैं। ड्रॉप शिपिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ड्रॉप शिपिंग के अंदर से भी इख्तलाफ पाया जाता है फुकाहे तशय्यो और तसन्नुन के दरमियान, चूंकि अक्सर फुकाहे तशय्यो कहते हैं कि कब्जा
सिर्फ उन चीजों में जरूरी है जो मेजरेबल वेटेबल होती हैं, मकील और मौजून चीजें, लेकिन अगर ऐसी चीजें जो काउंटेबल होती हैं उनके अंदर कब्जा जरूरी नहीं है आगे बेचने से पहले, लिहाजा ड्रॉप शिपिंग हमारे फुका अक्सर कहते हैं जायज है, इश्काल नहीं है कोई। यानी अगर मैं कोई चीज खरीद लूं और उसकी डिलीवरी लेने से पहले उसको बेच दूं आगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। ये फुकाए इमामिया की नजरिया है, जबकि फुकाए तसन्नुन में बिल्कुल अहनाफ का, चूंकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद अहनाफ की है, अहनाफ की जो राय है वो ये है कि मनकूलात, वो हर वो चीज जो ट्रांसफरेबल मूवेबल होती है, जो मूवेबल होती है, सॉरी ट्रांसफरेबल तर्जुमा नहीं होगा इसका, मूवेबल जो चीजें हैं उनके अंदर कब्जा होना जरूरी है, लिहाजा अगर कोई कब्जे से पहले बेचेगा तो वो दुरुस्त नहीं होगा। जब भी अक्सर हम सुनने में आते हैं कि ड्रॉप शिपिंग जायज नहीं है जब तक कि आप कब्जा ना कर लें, ये अहनाफ का मकतब फिक्र है। इमामिया के नजदीक जो राय है वो ये है कि मकील और मौजून होगी तो फिर कब्जा होना जरूरी है, वरना जरूरी नहीं है। जब भी हमारे यहाँ अक्सर फुकाए कराम ने इसके जवाज का फतवा दिया ड्रॉप शिपिंग के, क्योंकि मिल्कियत आ जाती है। इमामिया के नजदीक किसी चीज को बेचने से पहले मिल्कियत का आ जाना, चाहे मुतलक मिल्कियत तो काफी है, मिल्कियत मुतलका का होना जरूरी नहीं है। अब ये फिकी टर्म्स हैं, इसकी बहुत ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, बस इतना कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद मालिक बन गया हूँ तो बस मैं आगे उसे बेच सकता हूँ, ये पूरे इख्तलाफ को मैंने आपको बता दिया। तो ड्रॉप शिपिंग की बात हो गई, आज हम चलें शुरू करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज पर, जो आज का हमारा मौजू होगा। आज हम चाहेंगे कि जल्दी बात को तमाम कर लें ताकि अगर कुछ सवाल आते हैं उनको भी देख सकें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज क्या होता है? इजारा का कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम इजारा उर्दू में किराएदारी कहते हैं, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा लीज किया जाता है, लेकिन लीज यूजली एसेट लीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम तर्जुमा इंग्लिश में लीज कहते हैं तो लीज जो है वो जामे असला नहीं है इजारा की तरह, क्योंकि जब हम इजारा कहते हैं तो इजारा के अंदर किसी शख्स का इजारा भी होता है, किसी चीज का भी इजारा होता है। यानी अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ जाके, जैसे दिहाड़ी पे मजदूर काम करते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, ये भी इजारा है। और अगर मैं कोई एसेट किसी को इजारा पर दे रहा हूँ, ये भी इजारा है। लेकिन अंग्रेजी में लीज का टेक्निकली जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लीज ऑफ एसेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहर हम ये लफ्जों में इतना नहीं जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है वो समझना है। आइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज रेफर्स टू एक्सचेंज द यूजुफ्रक्ट ऑफ स्पेसिफिक एसेट और पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज क्या है? एक्सचेंज करना, तबादला करना किस चीज का? यूजुफ्रक्ट का। अब यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, यूजुफ्रक्ट नहीं है वहां, वहां आप डायरेक्ट ही एसेट की ओनरशिप दे रहे हैं और यहां से मनफात दे रहे हैं। इसका मतलब मिल्कियत नहीं बदलती लीज के अंदर, मालिक वही रहेगा जो मालिक था, उसने हक इंतफा दिया है, यानी वो इस्तेमाल करने का हक दे दिया है उसने, मिल्कियत उसकी रहेगी। पहला बुनियादी फर्क यह है कि बै के अंदर मिल्कियत चली जाती है, जब मिल्कियत चली गई तो उसका मनफात भी उसकी, यानी उसका इंतफा भी उस शख्स का जो खरीदता है। यानी अगर मैंने घर खरीदा तो घर का भी मालिक मैं हूँ, उसमें रहने का भी मालिक मैं हूँ, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसका भी मालिक मैं बनूंगा, सब मेरा नहीं है। जबकि अगर हम लीज पे दे रहे हैं किसी को घर, मैंने किसी को घर लीज पर दिया है तो वो सिर्फ उसमें इजारा के बदले, रेंट के बदले रहने का हकदार है, उसका मालिक मैं हूँ, यानी खरीद बेच मैं सकता हूँ। और अगर उसके अंदर कोई मुझे कैपिटल गेन होता है, उस घर की प्राइस बढ़ जाती है, गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है, तो वो भी मेरा है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास था और आप मुझे भी इसमें हिस्सा दें, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज रेफर्स टू एक्सचेंज द यूज ऑफ फ्रक्ट ऑफ स्पेसिफिक एसेट। अच्छा फिर मैं बताऊँ, स्पेसिफिक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मुअय्यन एसेट, स्पेसिफिक का मतलब यह है कि पता हो कि क्या चीज लीज पे दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। घर के अंदर अगर किसी के पास 3 घर है, वो कहे मेरा एक घर तुम्हारा लीज के ऊपर हो गया, तो ये ठीक नहीं है, इसमें गरर है। मैंने आपसे पहले कहा कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो घर कौन सा घर, गाड़ी कौन सी गाड़ी, अगर किसी के पास रेंट अ कार है का 10 गाड़ियां खड़ी, वो कह रहा है गाड़ी मैंने आपको किराए पे दी इतने, अगर तो वो कहे सबका किराया है कि कोई सी भी ले जाओ तो उसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे ही आप कोई हाथ रखेंगे वो उसके ऊपर इजारा हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग गाड़ी है तो स्पेसिफिक का मतलब उस चीज को तय करना है। और पर्सन, इजारा सिर्फ चीजों का नहीं होता, इजारा तो शई के अलावा इजारा तो अशखाज भी होता है, यानी लोगों का इजारा। हम किसी को काम करवाते हैं, हम अपने सूट सिलवा रहे हैं, हम किसी से उसके हुनर सॉफ्टवेयर का काम करवा रहे हैं, आजकल बड़ा चलता है ये फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर एक मरतबा तो आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, एक मरतबा आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो कंटेंट लिखते हैं फिर बेचते हैं, लोगो बनाते हैं फिर बेचते हैं, वीडियो बनाते हैं फिर बेचते हैं, तस्वीर बनाते हैं एडिट करते हैं फिर बेचते हैं। एक तो ये काम है, ये परचेज एंड सेल का काम है। लेकिन अगर आप परचेज एंड सेल नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं कि आप किसी के लिए लिखते हैं,
आप फ्रीलांसर हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर्ड हैं, वो काम देते हैं और आप लिखते हैं, वो काम के आपको पैसे देते हैं, आप काम नहीं बेच रहे, आपको आप एक आपकी जिम्मेदारी ये काम करना। तो ये इजारा का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। आप किसी की वीडियो एडिट करते हैं, उसकी आपको सैलरी मिलती है, चाहे प्रोजेक्ट बेस्ड हो या मंथली हो या जो भी आपका हो सकता है फैक्टर उससे लिंक, तो वो इजारा कहलाता है। तो इजारा चीज का भी होता है, लोगों का भी होता है। अच्छा, जब कोई शख्स इजारा पर आए जिससे हम काम कराते हैं, तो उसे अरबी में कहते हैं अजीर, यानी जो उजरत पर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम मजदूर की मिसाल ले लें, आज के दौर में आप कंप्यूटर आप कहिए कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करवाना है, वो अजीर। ऐन मुस्ताजरा किसे कहते हैं, यानी जिस चीज को इजारा पे लिया जाए। अगर मैं कोई गाड़ी किराए पर लेता हूँ तो उसे कहते हैं ऐन मुस्ताजरा। ऐन मतलब कोई चीज, मुस्ताजरा जिसको इजारा पे लिया गया है। विच इज परमिजिबल एज पर शरिया, ये याद रखें, ये फर्स्ट चेक है मेरा। शरिया इसको अलाउ करती है, नहीं करती। कोई शख्स क्या मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज यानी शराब का अड्डा चलाने के लिए किराए पर ले ले, जायज नहीं है वो असलन। हाँ, उस जगह को ले ले, लेकिन कोई और काम करे तो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं काम भी यही करूंगा। मिसाल के तौर पे कोई शख्स किसी हराम काम के लिए उजरत ले, अब वो कोई भी चीज हो सकती है, चोरी करने के लिए, कुछ भी, आजकल फ्रॉड्स के लिए होता है, हैकर्स रख लिए जाते हैं फ्रॉड करने के लिए। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है डिजिटली, तो इसकी उजरत लेना भी हराम है, इजरत देना भी हराम है, और ये सारा मामला जो है ये हराम शुमार होगा। यानी वही देना है, माले शरई होना चाहिए बाय द लसौर। लसौर कौन होता है? अगर आप कोई चीज दे रहे हैं इजारा के ऊपर, तो आप लसौर हैं, आप मालिक हैं घर के, और आप मुझे दे रहे हैं, तो आप लसौर हैं, मैं लेजी हूँ। और अरबी में आप इसे कहेंगे कि आप होंगे मोजिर, इजारा पर देने वाले, सही है, और मैं होंगे मुस्ताजिर, इजारा पर लेने वाला। या फिर अगर कोई बंदे का इजारा हो रहा है, तो आप अजीर कहलाएंगे जो मेरे लिए अगर काम कर रहे हैं, और मैं मुस्ताजिर कहलाऊंगा, यानी इजारा मैं चाहता हूँ। बहरहाल, हमें कोई अरबी के टर्म्स के अंदर फंसना नहीं है, असल जो चीज़ है वो बताने की कि पहली चीज जो है फर्क करती है लीजिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से, वहाँ ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यहाँ सिर्फ यूज़ुफ्रक्ट एक्सचेंज होता है, नंबर एक। नंबर दो, इजारा चीज का भी होता है, किसी शख्स का भी होता है। नंबर तीन, इजारा शरिया शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से परमिसेबल होना चाहिए, यानी किसी हराम काम के लिए। अब अक्सर लोग पूछते हैं, हजरत हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे लोगोज बनाते हैं, अगर वो लोगो किसी शराब की कंपनी का बन रहा है, जायज नहीं। अगर वो लोगों मिसाल के तौर पे किसी हराम काम का, ऐसा हराम जो हराम है, मुतलकन हराम है, उसका तो जायज नहीं है, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज हैं। ग्रे एरियाज क्या है? मिसाल के तौर पर अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि जी हम मोनेटाइज करवा लेते हैं, तो बाज़ोकात उसके ऊपर गाने चल जाते हैं, या हम म्यूजिक भी डालना पड़ता है हमें गेम। हमसे एक दोस्त ने पूछा था, मैं गेम बनाता हूँ, गेम डेवलप करता हूँ, उसमें भी म्यूजिक भी डालना होता है, तो क्या ये हराम होगा आपकी उजरत लेना? तो देखिए, अगर तो वो गाना लहव लाभ वाला हो, यानी इसको फकर कराम ने हराम किया और उसके ऊपर काम हो रहा है, जायज नहीं है। लेकिन अगर एक साउंड है जो मौसीकी में शुमार होता है, तो फिर उसके अंदर फकर कराम ने गुंजाइश दी, क्योंकि वो जिमनी काम है, वो जेली काम है, असली काम नहीं है। अगर वही असली काम हो, काम ही ये हो कि आप गाना कोई गाने की ट्यून बनाता हो, मेलोडी कर रहे, तो वो दुरुस्त शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर जहाँ ग्रे एरिया होता है, तो वहां पर अपने नेचर ऑफ वर्क को मुश्तहिक को बताकर फतवा लिया जा सकता है, तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको उसूल बता रहा हूँ कि अगर कोई काम हराम है, उस काम के लिए जगह को किराए पर देना या उस काम को करना, चाहे चीज का इजारा हो या अपना, वो हराम शुमार होगा। और ये इजारा जो है, ये अगेंस्ट द एग्रीड अपॉन कंसिडरेशन होता है, यानी ये एक उजरत के बदले होता है, ये फ्री में नहीं होता। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इजारा के मुकाबले एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं आरिया। आरिया और इजारा में क्या फर्क है? इजारे के अंदर आप कोई चीज या कोई काम आप खुद करते हैं, लेकिन पैसों के बदले। आरिया तो होती है बगैर पैसों के बदले, नॉन कंपनसेटरी है। मैं किसी को घर दे दूं, अपना वही रह लें, आप कोई मसला नहीं, किराया मत दीजिए, मैं किसी के लिए काम करूं और पैसे मत जानी, फ्री फंड में करूं, तो ये भी आरियत कहलाएगा, इजारा नहीं कहलाएगा। इजारा की क्या क्या शराइत है? कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट पजेस द एलिजिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली शर्त तो वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनमें अहलियत है अक्द हो। अहलियत मैंने कल बताया था, बुलूग होना चाहिए, अक्ल होना चाहिए, और महजूर तसर्रुफ, ऐसा शख्स जिसको शरअन या कानूनन रोक दिया गया हो अपने मामलात में, अपने माल में तसर्रुफ करने से, उसको यूटिलाइज करने से, वो शख्स उसका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड शुमार होगा, नंबर एक। नंबर दो, यूज ऑफ रक्त ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक मिनट मुझे इजाजत दीजिएगा।
सॉरी, वो एक अनम्यूट हो गया था इसकी वजह से। तो पहली जो शर्त है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का अहल होना, एलिजिबल होना उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। दूसरा, यूज ऑफ रक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर का यूज ऑफ रक्ट है, यूज ऑफ रक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट मैटर के मालिक नहीं बन रहे हैं, हम उसके मनफात के मालिक बन रहे हैं। तो कहते हैं विच कैन बी एसेट और पर्सन, यूज ऑफ रक्ट, किसी शख्स की कोई मेहनत हो सकती है, उसका हुनर हो सकता है, या कोई शख्स हो सकता है, या कोई चीज हो सकती है। मस्ट बी परमिजेबल बाय शरिया, वो शरिया के मुताबिक जायज होना चाहिए। यानी अगर किसी शख्स को मैं उजरत दे रहा हूँ गाना गाने के लिए, तो वो उजरत भी देना गलत है, वो काम भी गलत है। यूज ऑफ रक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एसेट और पर्सन एंड कंसिडरेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड टाइम बाउंडेड, ये बहुत अहम चीज है। इजारा के अंदर जरूरी है कि आप बता दें कि आप मनफात क्या लेने वाले हैं, ये तय होना चाहिए। अगर तो कोई ऐसी चीज है जिसकी मनफात ये है कि रहना है, जैसे घर, घर हम किराए पे लेते हैं और उसको रहने के लिए है, तो ये तय होना चाहिए कि रहने के लिए। अगर कोई शख्स घर किराए पे ले और उसके अंदर फैक्ट्री लगा ले छोटी सी, तो मेरा इख्तियार है, अगर मैं मालिक मकान हूँ, मेरा इख्तियार है मैं उससे इजारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूँ, चाहे वो 1 साल का बाउंडेड हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी जो यूज ऑफ रक्ट है, अगर तो ये तय है, नॉर्म है कि भाई ये रहने की जगह, यहाँ पे फैक्ट्री के लिए चीज नहीं है, अगर तय कर दिया है कि नहीं ये सिर्फ रहने के लिए जगह है, तो फिर नहीं कर सकते, या नॉर्म हो तब भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी चीज हो जो फैक्ट्री के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, घर के लिए भी हो सकती है, और उसके अंदर इजाजत है, यानी मैं मना ना करूं, तो जायज है। तो क्या असल चीज क्या हुई, जो नफा का तरीकेकार है, वो भी जो मनफात इंतफा का तरीकेकार है कि कैसे मैं नफा हासिल करूंगा इस चीज से, वो भी तय होना चाहिए। या तो वो तय बाय कंडीशंस होता है, या फिर बाय नॉर्म होता है कि किस तरह से होगा। सही है, ये बहुत अहम बात शुमार होगी। और दूसरा, टाइम बाउंडेड भी होना चाहिए जारा, कि कब से कितने टाइम का, हम जो कोई किसी का एसेट यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मैंने किसी का घर लिया, मैंने कहा ये ता कयाम कयामत तक मेरा हो गया, या मैं कहूँ कि नहीं जी कल वो निकाल दे मुझे, या मैं कल छोड़ के चले जाऊं। टाइम बाउंड होना चाहिए कि इजारा किस टाइम का हो रहा है, और शराइत तय की जा सकती है। इसी तरह से जो कंसिडरेशन है वो भी तय होनी चाहिए कि कितनी है, नंबर एक, और नंबर दो, उसकी पेमेंट किस तरह से होगी, आया लमसम पेमेंट होगी, किसी ने 6 महीने के लिए कोई जगह किराए पर ले लिया है, वो 6 महीने का किराया दे देगा, या फिर वो महाना बुनियादों पर देगा। यहीं पर मैं एक चीज बताता चलूँ एडवांस के हवाले से, एडवांस मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, एडवांस दिया जाता है जब भी हम कोई चीज एसेट वो करते हैं, रेंट करते हैं, तो उसमें एडवांस, एडवांस की शरीय एसेट क्या, एडवांस देखें उजरत नहीं है, एडवांस उजरत नहीं है। हम जो एडवांस देते हैं, या हम प्री पेमेंट कर रहे हैं, पहले फीस दे रहे हैं, जिस शख्स को हम पहले पैसे दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, उसका मालिक नहीं बनता। एडवांस जो दिया जाता है वो उसके पास वदीआ शुमार होगी, अमानत शुमार होगी, लिहाजा वो शख्स उन पैसों में हमसे पूछे बगैर तसर्रुफ नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं है उसने मुझसे 1 लाख रुपए एडवांस दिया और 1 लाख रुपए को उसने सेव कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, पैसे खर्च कर लिए, नहीं, उसका हक नहीं है उसे शरअन। लेकिन अगर मैं इजाजत दे दूं तो कोई बात नहीं है, बस इसके बदले मैं कह दूं कि आप मुझे मेरे पैसे वापस देने के जिम्मेदार हैं, तो हो सकता है जायज है। यानी पहला हुक्म क्या है कि वो पैसे इस्तेमाल करने का हकदार नहीं, क्योंकि उस पर अमानत है। अब जब अमानत है, अगर वो जाया हो जाए अमानत उसके पास से, और उसकी कोई कमी कोताही ना हो, तो वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो अमीन था, अमानत थी उसके पास, और उसने कमी कोताही नहीं की। लेकिन जो ही वो इस्तेमाल करता है, अब वो जामिन बन जाता है। लिहाजा अब अगर वो चीज में कमी आ जाए, मिसाल के तौर पर मैंने पैसे रखवाए थे, पैसे कम हो गए हैं, 1 लाख रखवाए, 90,000 रुपए हो गए, तो अब वो, उसको जिम्मेदारी है कि वो पूरे पैसे मुझे अदा करेगा। तो एडवांस की जो बात है, एडवांस वदीआ शुमार होती है, अमानत, और उसको इजाजत के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, बगैर इजाजत के नहीं। हमारे अमूमी तौर पर ये बोला नहीं जाता कि इजाजत है या नहीं, हमें पता है कि वो इस्तेमाल ही होते हैं, और हमारी तरफ से भी इजाजत होती है, तो शरण इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है एडवांस के अंदर। इसी तरह से एडवांस की बात हो गई हमारी, और अगर हम पेमेंट पहले कर देते हैं, बाज लोग होते हैं 6 महीने का किराया वो एडवांस की सूरत में लेते हैं, या फिर मैं रहूंगा 1 महीने के लिए, लेकिन मैंने किराया 15 तारीख को दे दिया है, तो जो मालिक मकान है वो 30 दिन का मालिक नहीं बनता, 15 दिन का ही मालिक बनता है। ये भी बहुत अहम बात है। ऐसा नहीं है जो, यानी इसको हम अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं कि इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ऐसा होता है कि अगर वहां पर पहले पेमेंट आ जाए, पार्टी पेमेंट कर दे और काम नहीं हुआ, हमने उसका काम नहीं किया, तो इसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड, पैसे आ गए, अर्न नहीं हुए, हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अपनी इनकम को। और बाज़ औक़ात होता है कि इनकम रिकॉग्नाइज हो जाती है,
यानी इनकम अर्नड हो जाती है पर रिसीव नहीं हुई होती, वो अकाउंट रिसीवेबल में होती है। तो इस तरह से इजारा के अंदर भी यही होता है कि अगर मैं किसी को घर किराए पर दे रहा हूँ या मैं किसी घर किराए पर ले रहा हूँ और मैं उसको पेमेंट पहले कर देता हूँ, तो जिम्मेदारी मेरे पास उतनी है जितना मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, बाकी उसके पास अमानत शुमार होगा, जो जो मेरा वक्त रहेगा वो इजारा शुमार होता रहेगा। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, ये क्योंकि अगर बीच में इजारा टर्मिनेट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर लिया, घर टोटल लॉस पे आ गया, अल्लाह ना करे जलजला आया, कोई भी चीज हुई, घर गिर गया, अब मैंने पेमेंट की भी है 6 महीने के किराए की, हालांकि वो 3 महीने मुझे हुए थे, तो 3 महीने का मुझे वापस लेने का हकदार हूँ शरी एतबार से, और वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आपने पैसे दे दिए और ये पूरे हो गए। हमारा ऐसा होता है कि वो पैसे ले लिए जाते हैं और फिर का एडवांस वापस नहीं किया जाएगा, या हमारा बयाना चलता है। बयाना बयाना क्या होता है कि आपने पैसे दिए किसी को, आपने कहा ये चीज मैं खरीदूंगा अगर मैं आ गया आपके पास, नहीं आए तो ये आपके, ये शरअन दुरुस्त नहीं है बयाना, जिसे हम इसे अरबून भी कहा जाता है, इसकी बाज लोगों ने इजाजत भी दी है, लेकिन बाज कहते हैं कि अकले माल बिल बातिल है, आपने किस बात पे ही पैसे ले लिए। हाँ अगर आपका कोई लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था दो लोग आए मेरे पास और दो लोगों ने कहा कि ये मुझे घर किराए पे लेना है, एक ने कहा कि भाई ये ले आप मुझसे 10,000 रुपए लें, मैं कल आ जाऊंगा आपके पास, आप इसको मत दें, आप इनकम छोड़ें अपनी, आप मुझे दें मैं ले लूंगा, और मैं नहीं आया और उसको कोई रियल एक्सपेंस हो गया, अब उसको 2 दिन किराया उसके ऊपर किराए पे चढ़ा ही नहीं घर मेरी वजह से, तो वो लॉस तो वो मुझसे बेयर, वो मैं बेयर करूंगा, यानी वो लॉस तो मुझसे ले सकता है, एक्चुअल लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं ले सकता। अपॉर्चुनिटी यानी अगर वो ले लेता तो इतना होता या मैं इतना कमा लेता, ये नहीं। मैंने वादे के ऊपर जब मैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बता रहा था तो मैंने इस पर तफसील से बताया था कि कौन सा वादा वाजिब है वफा करना, इसके ऊपर बहुत तफसील है फुकाए कराम की। बास कहते हैं वादा वफा करना ना कजाअन वाजिब है ना दयानतन वाजिब है, यानी वाजिब जब कहते हैं ना दयानतन, दयानतन का मतलब है कि अगर नहीं करोगे तो हराम है, बास कहते हैं नहीं हराम नहीं है, हाँ अच्छी बात नहीं है लेकिन हराम नहीं है कोई, बास कहते हैं नहीं दयानतन तो हराम है लेकिन कजाअन वाजिब नहीं है पूरा करना, यानी अगर मैं पूरा ना करूं मुझे गुनाह मिलेगा लेकिन मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कह सकता। बास का नजरिया और बिल्कुल अलग है, वो कहते हैं कि नहीं कजाअन वाजिब है दयानतन भी वाजिब है, जबकि एक नजरिया ये मिलता है कि भाई देखें वादा वादा है, वादे की बड़ी ताकीद है लेकिन वादा पूरा करना वाजिब नहीं है कोई कजाअन, लिहाजा अगर कोई शख्स वादा करे और वादा करने के नतीजे में दूसरे का कोई माली नुकसान हो जाए, तो लिहाजा इस वादा करने वाले पे जिम्मेदारी है कि ये माली नुकसान को पूरा करे ना कि वादा पूरा करे। हाँ नुकसान जैसे हम बैंक में करते हैं मुराबहा में, मुराबहा क्या होता है, कस्टमर को चाहिए मशीनरी, कस्टमर को चाहिए कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, एसेट चाहिए, कस्टमर ने मुझे रिक्वेस्ट दी, जैसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट ऑफ परचेज, परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन, उसने मुझे परचेज रिक्वेस्ट दी कि आप ये चीज खरीद लें मैं आपसे खरीद लूंगा, दोबारा गौर कीजिएगा, मैं उसे तो कोई चीज बेच ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है, मैं तो बैंक हूँ मैं तो फाइनेंसिंग करूंगा, वो मेरे पास आता है वो कहता है मुझे देखिए ये मशीन चाहिए, ये आप मुझे मशीन बेच दीजिए तो मैं आपसे खरीद लें, मैं आपसे खरीद लूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे पैसे दे दूं उधार और वो लोग मुझे इजाफा देना, ये तो सूद है, कर्जा दिया और ज्यादा ले लिया, दूसरा तरीका क्या है कि बैंक वो चीज खरीदे और वो चीज खरीद कर उसे डेफर्ड सेल के ऊपर, क्रेडिट सेल के ऊपर बेच दे ज्यादा पैसों पे, तो शरण कोई हर्ज नहीं है। अब हुआ ये कि मेरे पास कस्टमर आया और कोई यूनिक मशीनरी चाहिए थी मिसाल के तौर पर, और मैंने वो खरीद ली और मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली 1 करोड़ रुपए की, मैं बैंक हूँ एबीसी बैंक, 1 करोड़ रुपए की मैंने मशीनरी खरीदी, कस्टमर ने कहा भाई मैंने तो वादा किया है, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया, मतलब पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता क्योंकि आप कोई चीज बेच थोड़ी ना है मुझे, आप तो वो खुद खरीदेंगे फिर बेचेंगे, वो तो सिर्फ बातचीत, तो ये एग्रीमेंट हो रहा है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप फर्क कर सकते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, अगर पहले दिन ही कहना कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं बैक ऑफ नहीं कर सकता था, लेकिन हमें पता है पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना और चीज मौजूद ही नहीं है, तो हमने कहा ये एग्रीमेंट है। अब जब मशीनरी आ गई, बैंक ने कहा जी आपकी मशीनरी आ गई है, अब वो बेचना चाह रहा है, तो वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं खरीद रहा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से। अब हम ये कहते हैं कि बैंक उस चीज को ओपन मार्केट में सेल कर रहा है, मिसाल के तौर पे बैंक ने वो चीज खरीदी 1 करोड़ की और बैंक को ओपन मार्केट में बिक गई 1 करोड़ 10 लाख की, हम कहेंगे आप कस्टमर से कुछ भी नहीं लेंगे, बैंक ने खरीदी 1 करोड़ की और मार्केट में बिक गई 1 करोड़ की, अब भी कोई लॉस नहीं होता, हम कहेंगे अब भी शरिया कहती है लॉस आप कस्टमर पे नहीं डाल सकते कुछ भी, बैंक ने खरीदी 1 करोड़ की लेकिन अब बैंक जब आगे बेच रहा है तो वो बिक रही है 95 लाख की, 95 लाख्स की, अब हम कहते हैं कि आप 5 लाख रुपए रिकवर कर सकते हैं। अब बाज लोग हमारे दोस्त बैंकर्स कहते हैं कि हजरत अगर ये हमसे खरीदता
तो हम इन्वेस्टमेंट हमारी हुई भी थी, हमारा प्रॉफिट होता 1 करोड़ 10 लाख का, तो हम इससे 5 लाख क्यों रिकवर करें? हमें तो 15 लाख का लॉस हुआ है, 10 लाख फाइनेंसिंग का कि हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा और 5 लाख हमें अपने कैपिटल के ऊपर लॉस हो गया। हम कहते हैं नहीं, 10 लाख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी लॉस आप बेयर नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर नहीं डालेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आप उससे करेंगे जो आपको रियल लॉस हुआ हुआ है। तो ये एक छोटी सी वो थी जो मैंने कहा बीच में आके आपको बता दूं, वादे के ऊपर भी सारी बातें, इसी तरह से उजरत के ऊपर हमारी बात हो गई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज में एक और अहम चीज क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर बॉर्न बाय द लेसोर बाय रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय लेजी। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे हमने देखा ना घर के अंदर छोटे मोटे काम होते हैं, भाई बिजली का बिल आना है वो हम खुद देंगे जो रह रहा है, पानी का बिल आना है, मेंटेनेंस देनी है, गैस का बिल आना है, ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, लाइट खराब हो गई, कुछ हो गया, क्योंकि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो लेजी बर्दाश्त करता है, और जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे घर में कोई मेजर एक्सपेंस आ गया है, जैसे बाज़ औक़ात हम फ्लैट की मिसाल दें, अक्सर सेवरेज के मसले हो जाते हैं, अब हम कहते हैं नहीं मालिक मकान से कहो, ठीक है। तो इसी तरह से इजारा के अंदर भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये शरई रूल है, यानी ये नहीं हो सकता कि मालिक मकान कहे नहीं नहीं आप ही करवाएंगे, हाँ ये हो सकता है कि वो कहे आप करवा लो, हम अपने किराए में से कंपनसेट कर लेंगे, ये हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो कहे कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा तो शर्म जायज नहीं। ये सारी बातें यूं बताई जा रही हैं कि कभी हम भी हो सकते हैं हम किराए पर दें, या हम हो सकते हैं किराए पर लें, तो हमें शरिया रूल्स पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मस्ट नॉट कंटेन गरर एंड कमार। इजारा के कॉन्ट्रैक्ट में गरर और कमार नहीं होना चाहिए। गरर और कमार क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि कितने हमारी उजरत होगी, कितने अरसे के लिए ले रहे हैं, घर में क्या काम करेंगे, ये सारी चीजें। कमार क्या होता है, जिसे गैमलिंग कहते हैं कि किसी का फायदे पे किसी का नुकसान हो, मैं 1 महीने रहता हूँ, अगर मैं रहा तो किराया हो जाएगा, यानी इस तरह की बातें करना जिसके अंदर चीजें क्लियर ना हो, कंसिडरेशन वाजे ना हो। जैसे कमार में होता है कि अगर ये काम हो गया तो घर मैं किराए पर ले लूंगा, ये मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आज बारिश हो गई ना तो तुम फ्री में रह लेना, मिसाल के तौर पर इस तरह से भी चीजें होती हैं। जब हमने ये सारे रूल्स को पढ़ लिया तो आइए अब हम देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, जैसे लफ्ज़ से वाज़ है, मार्केटिंग बुनियादी तौर पे एक सर्विस है, इजारा के अंदर ये शामिल होती है, आप किसी को अपनी सर्विसेज देते हैं, किसी का प्रोडक्ट होता है, आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को आप नहीं बेच रहे होते, आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इस बात को समझिएगा गौर से, अगर तो मैं कहूं कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मार्केटिंग भी कर रहा हूं, तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक आप उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सर्विस चार्जेस हैं, एक मतलब आप उस प्रोडक्ट को खुद बेच रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले कंपनी से खरीदा और फिर आप बेच रहे हैं। मार्केटिंग क्या आप पैसे ले सकते हैं, ये दो तरह से काम होता है, बाज़ औक़ात कंपनी कहती है आपने प्रोडक्ट बेचा, जो आप बेच रहे हैं वो मेरे बदले बेच रहे हैं, यानी वो एजेंसी भी होती है। अब ये सारी चीजें मिल जाती हैं बाज़ जगह पे ना, कि आप जो बेच रहे हैं आप पहले तो मार्केट करें, ये जो मार्केट कर रहे हैं तो चूंकि बेस बढ़ जाएगी कंज्यूमर्स की, लिहाजा मैं आपको आपकी फीस दूंगा या दूंगी मार्केटिंग के बदले। इसके अलावा और क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट बेचा इस प्रोडक्ट के ऊपर भी 10% आपको देंगे, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, ये ठीक है, मगर ये कि प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट शरअन जायज है तो उसकी मार्केटिंग करना भी जायज है, प्रोडक्ट शरअन हराम है उसकी मार्केटिंग करना भी हराम है, ये बहुत वाजह सी बात है। तो एफिलिएट मार्केटिंग अक्सर लोग कर रहे होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स को बेचते भी हैं, अगर तो कंपनी के बिहाफ पे बेच रहे हैं तो उसके ऊपर इजारा और वकाला के अहकाम लागू होंगे, अगर वो खुद बेच रहे हैं तो उसके अंदर सेल परचेज के होंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। यहीं पे कॉन्सेप्ट आया मल्टी लेवल मार्केटिंग का या पैरामिड स्कीम्स का, मसला मुहिम है बहुत, ये तो बड़ा आसान सा था। बहरहाल तो मल्टी लेवल मार्केटिंग ये अक्सर हमसे सवाल किया जाता है, अक्सर ऐसा होता भी है। अब बुनियादी तौर पे अगर हम शरई एतबार से ना भी देखें ना, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इतने फ्रॉड्स हुए हैं कि जितने हमारे रेगुलेटर्स हैं, SECP है, स्टेट बैंक है, या दुनिया में रेगुलेटर्स, उन्होंने स्कीम्स को मना किया है, यहाँ तक कि हमारे कुछ दोस्त इंडिया से भी, आज भी रब्ता हुआ था एक दोस्त से, तो वहां पे भी बाकायदा इस पे पाबंदियां लगाई गई हैं पैरामिड स्कीम्स पर, ये मुख्तलिफ नामों से चलती हैं। पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं ये होता क्या है। पैरामिड स्कीम्स होती हैं कि एक शख्स, पहले इस तरह से चलता था कि बगैर किसी प्रोडक्ट के एक नेटवर्क कायम किया जाता था कि आप हमें पैसे दें और हम इससे पेमेंट करेंगे या फिर हम इससे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर आप दो लोग मजीद जोड़ लेंगे और उनसे भी इतने पैसे ले आएंगे तो आपको भी हर इन्वेस्टमेंट में पैसे मिलेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे भी पैसे मिलेंगे और अगली इन्वेस्टमेंट भी पैसे मिलेंगे। इसी तरह से फिर वो दो लोग मजीद दो लोगों को ले आएंगे, फिर वो चार लोग मजीद आठ लोगों को ले आएंगे, तो जाहिर दिखने में तो सही लग रहा था शरीर एतबार से कि भाई कोई शख्स कारोबार कर रहा है।
और कारोबार में वो कह रहा है कि आप मेरे शरीक बन जाइए और हम दोनों नफा कमाएंगे, और अगर आप और पार्टनर्स ले आते हैं हम उनको भी शामिल कर लेंगे, और आपको भी प्रॉफिट में जितने इतने पार्टनर्स लाएंगे आपको मिलता जाएगा। गादी नजर में ठीक है, लेकिन जब इसको हमने देखा फाइनेंशियली और प्रोडक्ट चले, तो अक्सर ये देखा गया कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, वो पैसे बुनियादी तौर पे खा लिए जाते थे, और नतीजा क्या होता था, पहले पर्सन को बहुत फायदा होता था और आखिरी वाले नुकसान में होते थे। बहुत सारे हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें शरिया गुंजाइश निकल सकती है, हम बता सकते हैं शरण जायज है। यार देखो मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दो लोग और आ जाओ, क्या गुना है इसके अंदर, मैं कोई चीज भी बेच रहा हूँ। बाज चीजें इसलिए हराम नहीं होती हैं, इसलिए मना नहीं होती कि उसके अंदर कोई शरई एतबार से मसला होता है। बाज चीजें इसलिए हराम होती कि उसमें शरई हिकमत की वजह से कोई मसला पैदा होता है। यानी ये प्रोडक्ट अगर चल जाए तो ज्यादातर क्या होता है, ये सट्टे पे मबनी होता है, या इसके अंदर बाज लोगों के फायदे होते हैं, या प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का फायदा होता है, और मास लेवल के ऊपर जिनके ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती जिन लोगों के पास, उन लोगों के नुकसान हो जाते हैं, लोगों के पैसे जाया हो जाते हैं, इनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं होती है ऐसी कंपनीज की। तो हमने देखा कि फिर बाद में ऐसा शुरू हुआ कि भाई प्रोडक्ट भी शामिल हो गया कि लोगों ने कहा कि पैसे ऐसे तो नहीं पकड़ पा रहे, तो कोई चीज बेच दो, आप 200 की चीज 2000 की बेच दो। मैंने कल भी बताया था बेजा नफा कमाने से कितना नुकसान होता है, हम जो अपने पैसों की कमी पे रोते हैं, हमारे पैसों की अर्जेंट चली गई है, इन्फ्लेशन आ गया, डी वैल्यू ऑफ मनी हो गई, हमारी वजह से होती है, मार्केट रेगुलराइज नहीं होती है, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस की बड़ी कमी है शरई एतबार से, क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है। तो बहरहाल वो मसला तो अपनी जगह कायम रहता है, तो ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, इस ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर शरिया के साथ साथ हमें फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की भी रेगुलेशंस को देखना चाहिए। जैसे मैंने कल बिटकॉइन में भी कहा कि हम शायद ये बता दें कि बिटकॉइन जायज है, लेकिन जब तक कि आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर अलाउ नहीं करता तो डोंट गो फॉर इट। इसके अंदर एक रिस्क बैरल बरकरार रहेगा, फाइनेंशियल रिस्क। और यहाँ तक कि अगर मैं बताना चाहूँ तो अक्सर फुका का बल्कि कानून यह है कि मुल्क के वो कवानीन, फतवा यह है, मुल्क के वो कवानीन जो शरीयत के मुतसादिम नहीं है और मुल्क में कानून बनाया गया शरीयत के मुतसादिम ना हो, तो उसके ऊपर अमल करना सब पे जिम्मेदारी है, जरूरी है कि वो करें। और जब अगर मुज्तहिद कह दे तो ये हाकिम शरा की हैसियत से कहता है, हुक्म शरीयत हो जाता है फिर ये। तो लिहाजा अगर इसके अंदर रेगुलेटर आके कोई चीज मना कर दे तो हमारे रेड अलर्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है शरीयत से मुतसादिम हो। शरीयत ने कहा हो कि जी वाजिब है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, और स्टेट बैंक या एसईसीपी या कोई भी फाइनेंशियल रेगुलेटर मना कर रहा हो। हाँ अगर वो मना कर रहा है तो हमें रुकना चाहिए, मुमकिन है बीच में ऐसे लोग आ जाएंगे जो कहेंगे अरे भाई ये तो स्टेट बैंक तो चाहता ही नहीं है, एसईसीपी तो चाहता ही नहीं है, या फिर ये लोग तो सब चीजें अपने पास रखना चाहते हैं, ऐसी बहुत बातें होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो इस तरह बताते हैं कि नहीं, लोग आपको ये कहेंगे ठीक नहीं है, नहीं है ठीक होता है, और ये बिल्कुल जेन्युइन होता है, वगैरह वगैरह। नहीं, आप जरा उन अफराद से बात करें कि जो ये इंस्पेक्शंस में काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्पेक्शंस में, आपको तब पता चलेगा कितने कितने के गबन होते हैं, कितने लोग बेचारे परेशान होते हैं। हम तो शहरों में जिंदगी गुजारते हैं, हम अपना मार्केट इंफॉर्मेशन भी जरा अच्छी होती, कितने लोग गाँवों में ठग जाते हैं, और वो भी ठग जाते हैं जो बेचारे अल्लाह रसूल के नाम पे ठग जाते हैं, उनसे कहते हैं आप पैसा दें और सूद में लगाएंगे बैंक में, आप हमें दें, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के भी ठग लेते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और वहाँ बड़े मसाइल रहे, पाकिस्तान में चूंकि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कम है, लिटरेसी कम है, और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, इन लिटरेसी तो कम है, एक होता है फाइनेंशियल लिटरेसी, मुमकिन एक डॉक्टर उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो, तो ये बड़े मसाइल रहे। तो कोई भी नया प्रोडक्ट आया आजकल तो हमारे यहाँ ऐसे भी है कि लोन्स की एप्लीकेशंस चल रही हैं, और अब तो आपने देखा होगा कि भाई मैचेस हो रहे हैं, उसके अंदर बाकायदा जो सट्टे की कंपनियां हैं वो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, वो स्पॉन्सर कर रही हैं, हैफ की बात है, ताज्जुब की बात है, चूंकि हमारा निज़ाम शरई निज़ाम नहीं है तो हम कहते हैं बस चलेगा। आजकल एक बड़ी नई चीज आ गई है, इंडिया से शुरू हुई थी और अब यहाँ पर भी, इंडिया में शायद और भी पहले कहीं से फैंटेसी गेम्स हो जाते हैं कि जी आप एक ऑनलाइन गेम खेलें, उसके अंदर अपनी टीम बनाएं, ड्रीम 11 बनाएं, फैंटेसी गेम बनाएं, और इतने पैसे इन्वेस्ट करें और फिर खेलें और जीत गए, तो ये भी मुनज्जम सट्टा है। देखें सट्टा स्टोरी की दुकान से निकल के बाहर आ गया है, अब वो एक अच्छे अंदाज में आ गया, मोबाइल की सूरत में जी गेम्स आ गए, ये गेम खेलते रहें और आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे और फिर आप उसे कैश कर लें। आप क्या समझते हैं कि आपको 10 रुपए का फायदा हुआ, 100 रुपए का, वो जो गेम खेल रहा है जिसकी डाउनलोड हो रही है, जिसका एप्लीकेशन चल रही है, उसको कितना फायदा हो रहा है। बात चीजें बेचा है, अकले माल बिल बातिल है, और बसा औकात हमसे भी एक छोटी सी चीज को लेके फतवा ले लेते हैं कि जी हमने फतवा पूछा था, उन्होंने कहा जायज है, लिहाजा जायज है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे किसी भी चीज का हलाल और हराम पूछे ना, तो शायद बहुत आसान हो हलाल और हराम बताना, जैसे मैं कहूं भाई आप ये नहीं सोचो, आप इस तरह से कर लो तो शायद जायज है,
जैसे हम कहते हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास फकीह हैं जो फिक बहुत अच्छी जानते हैं, हलाल हराम। बाज हमारे पास माहिर इक्तसाद हैं जिनका इक्तसाद बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनके बड़े अच्छे हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी करना जानते हैं। लेकिन चैलेंज ये, हमारे पास फकीह इक्तसाद नहीं है कोई। आयतुल्ला शहीद सदर जैसी नाबगा शख्सियात, शहीद मुर्तजा मुतहरी जैसी अजीम शख्सियात, ये वो शख्सियात हैं, या फिर कोई मुमकिन है कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियल रेगुलेशन होती हैं किसी भी मुल्क की किसी भी इदारे की, इस तरह शरिया रेगुलेशन है, वो पहले अहम है। हमारे पास मसला ही, जो फिक जानता है वो सिर्फ फिक जानता है, जो फाइनेंस जानता है वो फाइनेंस जानता है। अब फाइनेंस वाला प्रोडक्ट बना लेता है, उसको शरिया लॉज नहीं पता, तो वो शरिया लॉज को हिट कर देता है, वो कहता है मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ठीक है, 100% काम करेगा। फकी फिक बता देगा कि भाई मेरे लिहाज से शर्म कोई गुंजाइश जायज है, इसमें मसला नहीं है। ऐसे अफराद जो फिक जानते हैं और इक्तिसाद भी जानते हैं, जब ये बात करेंगे, इनका प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इनका प्रोडक्ट बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। इनको शरिया भी पता है, इनको फाइनेंशियल तमाम मामला पता है। अभी जो प्रोडक्ट बनाएंगे, इन बिल्ट शरिया कंप्लाइंट होगा। फिर हमें ऐसा नहीं कि उसे शरिया कंप्लाइंट बनाना पड़ेगा, उसे मुसलमान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज की बड़ी कमी है, और इस चीज की कमी कैसे पूरी हो सकती है, इन कोर्सेज के जरिए। ऐसे कि फाइनेंस वाले शरिया पढ़े, और शरिया के लोग एक्सपर्टीज शरिया में ले रहे हैं, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज को भी पढ़े, कॉन्टेम्प्रेरी एप्लीकेशन को पढ़े। हमारा इदारा अलसादिक इंस्टीट्यूट अलहमदुल्ला एक वाहिद इदारा पाकिस्तान में इस नौइयत का है, वाकन वाहिद इदारा है इस हवाले से, जो फिक की असली तदबीकात के ऊपर बिलखसूस काम कर रहा है। ऐसा नहीं है ये वाहिद इदारा पूरी दुनिया भर में, हम ये कह सकते हैं फिक जाफरीये का पाकिस्तान में एक ऐसा मुनफरिद इदारा है, लेकिन ईरान में बहुत जबरदस्त इदारे हैं, यकीन हौजल में, नजफ में ऐसे जबरदस्त इदारे हैं, और दुनिया भर में भी हैं। ऐसे इदारे जरूर होने चाहिए जो गैप को ब्रिज करें प्रोफेशनल्स में और शरिया स्कॉलर्स के अंदर, जिसके अंदर प्रोफेशनल्स शरिया को समझें और जो शरिया वाले हैं वो प्रोफेशनल जो स्टडीज है उनको जाने। ताकि देखें, जब तक कि तशखीस से मर्ज नहीं होगा, डॉक्टर उसका जवाब नहीं दे सकता। तो तशखीस से मर्ज जरूरी है। इनमें से बहुत सारी चीजें जिनको हम हलाल कह सकते हैं, लेकिन जब हम इनको डीप डाउन स्टडी करते हैं, इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखते हैं और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर देखते हैं या फाइनेंशियल सिस्टम पर देखते हैं, हम कहते हैं नहीं, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इसमें नुकसान होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बाद फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग भी इजारा कॉन्ट्रैक्ट है, बुनियादी रूल्स वही है जो मैंने बताया। अगर फ्रीलांसिंग में आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो खुद जायज नहीं है, कि कोई ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसका असली काम हराम काम है, उसकी मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी उसका काम कर रहे हैं, वो जायज शुमार नहीं होगा। ये इसके ऊपर तवज्जो रखी जाए। मुमकिन है इसके अंदर बाज़ लोग सवाल कर लेते हैं हमसे बैंक की जॉब के हवाले से भी, कि बैंक की जॉब तो फतवे इसके अंदर या उलमा के आरा मुख्तलिफ है। कोई कहता है बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि अगर गार्ड भी लगा हुआ है, तो अगर गार्ड ना हो तो बैंकिंग सिस्टम कैसे चल सकता है। अगर कोई कोई कहे कि कैशियर जायज हो, कहेगा कैशियर ही तो पैसे लेता है सारे। बाज इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, और बाज ऐसे वो कहते हैं नहीं नहीं सब जायज है और कुछ नहीं पता चलता, और आप तो अपनी काम कर रहे हैं ना, आप कोई आप सूट थोड़ी ले रहे हैं, आप तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें बैन बैन की राय होनी चाहिए। असल जो सूद का काम करता है, जो मेरी अपनी नॉलेज है, वो सारे काम सपोर्टिव काम होते हैं, लेकिन असल काम होता है सेंट्रल क्रेडिट कमेटी का, जो चीजों का प्रूफ करती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों को जो हमसे सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ कि आप अगर कन्वेंशनल सिस्टम में आप छोड़ के ना बैठे, आप छोड़ के बैठ जाएंगे तो ये और बड़ा नुकसान है आपके लिए, आपके खानवादे के लिए, आपके सबके लिए। मुमकिन है कोई इसके अंदर हार्ड कोर हार्ड लाइनर हो, वो कहेगा नहीं हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे। हाँ, अगर कोई इस तरह का ले सकता है, उसके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी है, वो बर्दाश्त कर सकता है, तो वो गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, आप जाइए। सबके इस तरह अलग अलग होती है, कोई रोजा रख सकता है और किसी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। शरीयत ने भी लोगों के नेचर के हिसाब से रखा है मामला को। मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि बाइस से तशवीक होना चाहिए कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो कोशिश करे कि वो इस्लामिक में आ जाए। ऐसा नहीं है कि उसको तशवीश हो जाए, वो छोड़ के बैठ जाए, वो परेशान हो जाए। हाँ, जब तक है वो मजबूर है, लेकिन कोशिश शुरू कर दे। अगर उसे कम पैसों पे मिल जाए, कम पैसों पर चला जाए, कम ओहदे पे मिल जाए, लेकिन वो गैर शरी काम से जितना हो सके हत्तुल इम्कान इज्तनाब करे, उसकी शरी जिम्मेदारी है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी असल काम ठीक होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि बाज़ोकात कहा जाता है कि नहीं हमारा काम ठीक है, हमने देखे जो चीज लिखी है वो भी ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। बाज़ोकात हमारा कुछ काम करना सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा होता है, किसी सिस्टम को, तो हम हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जहां हम बच सकते हैं वहां बचें। और जहां ऑफ कोर्स ये जूम जो लिंक जूम प्लेटफॉर्म है हमारा नहीं है, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, फेसबुक प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, गूगल हमारा नहीं है, लेकिन व्हाट टू डू, वी हैव नथिंग टू डू विथ। अब क्या करें, अब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें उसके अंदर। मैं जब भी कहता रहा हूँ कि हमेशा
हमारे लोगों को, तमाम मुसलमानों को साइंसी एतबार से बहुत तरक्की याफ्ता होना चाहिए, लेकिन दीन को पढ़कर, दीन बुनियाद है, दीन नहीं होगा तो फिर लोग नाम रह जाते हैं मोहम्मद अली, हसन हुसैन, और फिर उनके अकीदे बदल चुके होते हैं, फिर हुसैन को हुकैन हो जाता है वो, फिर वो सब खत्म हो जाता है। तो पहले दीन पढ़े, दीन बुनियाद है, दीन पढ़ लिया उसके बाद जितनी बड़ी भी इमारत खड़ी होगी वो बहुत मजबूत इमारत होगी, लेकिन अगर दीन बुनियाद कमजोर है तो जितनी बड़ी इमारत है वो सब कमजोर है, एक झटके में गिर जाएगी। तो इसके ऊपर तवज्जो करें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, कि दीन की तालीम को आम किया जाए और उसके बाद लोग तरक्की करें, आगे बढ़े, दुनिया में तरक्की करें। दुनिया, कुरान मजीद फरमाता है, सीरो फिल अर्ध, दुनिया में जाओ देखो, फंजरू कैफ काना आकिबतुल मुनजरीन, ऐसी लोगों के लिए निशानियां हैं, डरने वालों के लिए, और दुनिया अल्लाह के बंदों के लिए उनकी मीरास है। तो लिहाजा अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है दूसरों को तरक्की की, तो मेहनत से तरक्की की, हम भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। एडवांस एंड रेंटल एग्रीमेंट, ये मैं बता चुका हूँ, आगे आ जाइए अगले मुशारका के ऊपर। अगले मुशारका या मुजारबा, मैंने दो इस्तलाहात लिखी है, मुशारका और मुजारबा। मुजारबा भी एक शिरकत है, काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, यानी दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्टनरशिप के हैं। अभी तक हमने दो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, एक सेल का पढ़ा है, एक लीज का पढ़ा है। सेल के अंदर एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लीज के अंदर यूजुफ्रक्ट ट्रांसफर होता है। पार्टनरशिप क्या होती है, अभी इसके अंदर सारे सवाल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान जैसे इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सारी चीजें। पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझ लें, फिर चीजें आसान है। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू इन्वेस्ट कैपिटल एंड सर्विसेज बाय टू पार्टीज कॉल्ड मुशारका। मुशारका किसे कहते हैं, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग या 10 लोग काम भी करें और पैसे भी मिलाएं। तवज्जो कीजिएगा, काम भी करें और पैसे भी मिलाएं, इसे कहते हैं मुशारका। और टू इन्वेस्ट कैपिटल बाय वन पार्टी, या फिर एक बंदा पैसे मिलाता है, विच इज कॉल्ड रब्बुल माल, जिसको हम रब्बुल माल कहते हैं, एंड बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज बाय अदर, और जबकि बिजनेस दूसरा करता है उसे हम कहते हैं मुजारे भी आमिल, कॉल्ड मुजारबा। इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को कहते हैं मुजारबा। दो लोग हैं, दो लोग काम कर रहे हैं, दो लोग मेहनत से पैसे मिलाए हुए, दोनों ने चाहे कम ज्यादा। अब मुशारका कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि सबकी इन्वेस्टमेंट बराबर हो, कोई कहे कि भाई आप भी 50% मिलाओ, मैं भी 50, मुमकिन है कोई 1% से भी पार्टनर बन सके, कोई 0.0001 से भी पार्टनर बन सकता है। पार्टनर पार्टनरशिप है, जितनी भी कम हो, जितनी भी ज्यादा हो, ठीक है। तो उसके लिए बराबरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में मुशारका, रियल मुशारका उसे कहते हैं जब दो लोग पैसे मिलाओ काम करें एक साथ। और एक मरतबा मुजारबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब पैसे एक मिलाता है काम एक करता है, इसे मुजारबा कहते हैं, ठीक है। अब इसकी शराइत है, क्या शराइत है, कहते हैं कि पहले तो वैलिड होने चाहिए, यानी उनमें सलाहियत हो, अहलियत मुताकिदैन, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके अंदर बालिग आकिल महजूर तसर्रुफ ना हो। दूसरा, बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी शरिया परमिसेबल, ये बहुत अहम है। हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन शरिया कंप्लाइंट काम नहीं हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये ना पार्टनरशिप सही है ना उसका नफा सही है। यहाँ पर रोककर बताओ, अक्सर अब हमसे सवाल करते हैं कि अगर साहब एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसके अंदर कहते हैं कि ये पैसे मिला दो, $1,000 मिलाने पर तुम्हें हर महीने $200 मिलते रहेंगे जब तक कि तुम रहोगे, और तुम्हारे पैसे क्या है, तुम्हारे पैसे पता नहीं बस चले गए, तुम्हारे पैसे वापस नहीं। मुशारका कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े, समझे, इसके अंदर पहली चीज क्या है, बिजनेस आपको पता होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ मैं पार्टनर हूँ, चाहे मैं 1% का पार्टनर हूँ, मुझे पता होना चाहिए बिजनेस क्या है, एटलीस्ट प्रिंसिपल ही पता होना चाहिए क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हर ऑपरेशन पता हो, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर के अंदर भी हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर क्या है, ओनरशिप सर्टिफिकेट है। जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर को कंपनी की हर 0 to 1 एक्टिविटी पता हो, लेकिन उसको एटलीस्ट प्रिंसिपल एक्टिविटी पता हो कि उसका प्रिंसिपल काम क्या है, ये बहुत जरूरी है। अक्सर आजकल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, ऑनलाइन चल रही होती हैं, बाहर के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि जी आप पैसे मिला लें इतने और आपको इतना, भाई कर क्या रहे हैं आप, ये पता होना चाहिए। जब हम पूछते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, हाँ वो सॉफ्टवेयर बनाती है, हाँ वो ये करती है, हाँ वो ये नहीं, ये हम कहते हैं कि जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता हो कि वो चीज़ क्या कर रही है, उसका एग्रीमेंट पता हो। और जब एग्रीमेंट आया आपके पास, तो एग्रीमेंट साइन करने से पहले एक मरतबा एक शरिया स्कॉलर से उसकी वेटिंग करवा लें, यानी उसको रिव्यू करवा लें, अप्रूव करवा लें। जिस तरह हम कोई भी कारोबार करते हैं उसकी एक लीगल वेटिंग करवाते हैं कि भाई लीगली ठीक है, कोई फंस तो नहीं जाऊंगा, कोई कमी तो नहीं है, मैं कवर हो रहा हूँ नहीं हो रहा। शरिया के हवाले से भी लीगल वेटिंग, शरिया वेटिंग बहुत जरूरी है। और जब हम बैंक में थे तो बैंक में तो अक्सर ये कोई भी गारंटी भी इशू होती थी तो हम पहले शरिया वेटिंग करते हैं उसकी, कि शरिया एतबार से इसका टैक्स ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कंडीशन ठीक है, इन चीजों की बड़ी तवज्जो की जरूरत है, हमारे तवज्जो नहीं है, चूंकि हम खुद
एक फाइनेंशियल सिस्टम में पीछे हैं दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के, और उनकी भी हम नहीं कह रहे कि वो जानबूझ के हमें सूद खिलाना चाह रहे हैं। भाई उनके बिजनेस मॉडल ही है, उनका बिजनेस मॉडल है पैसे दो कर्जा और इजाफी लो। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमें समझना है। अगर हम कह रहे हैं मुझे पैसे कमाने हैं तो कर्ज पे नहीं कमा सकते, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पता हो कि वो कारोबार क्या करने वाला है, उसका कारोबार ऑपरेशंस क्या है। जी हमने सुना है वो काम करते हैं, जूतों का काम करता है। भाई कौन से जूते बना रहे हैं हमें तो पता तो चले, कोई तो प्रोडक्ट होगा, कोई तो वेबसाइट होगी। और आज ये चीज अगर किसी के पास नहीं है और वो कह रहा है तो आपके रेड अलर्ट जल जाने चाहिए, क्योंकि जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, वहां फ्रॉड बढ़ रहा है। वहां पे फ्रॉड फ्रॉडी इतने आ गए हैं, इतने फ्रॉडी आ गए। और वहां हमारे एक दोस्त शायद साथ भी हो, मुर्तजा भाई हमारे SSCP के हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड होता है एक नाम से, सबसे बड़ा ना लफ्ज इस्तेमाल होता है भाई की कंपनी है। यानी आप मुझे पैसे दो, मैं पैसे लगाऊंगा, इतना नफा दूंगा। क्या करते हो यार, मेरी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अगर कंपनी लाओ, SSCP का सर्टिफिकेट दो, क्योंकि SSCP रजिस्टर करती है कंपनी को। अच्छा करते क्या हो, उसका भी आपके पास लाइसेंस होगा, क्योंकि जो करते हो उसका भी लाइसेंस। इन सारी चीजों के बगैर डोंट गो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आ रही है, आस्क देम, यू आर गोइंग टू गिव देम योर मनी। 1 रुपया दे रहे हैं आप, लेकिन आपके पैसे हैं, आपकी शरण जिम्मेदारी भी है, कानून जिम्मेदारी भी है। वो पैसे आप मुमकिन है कि मैं क्या मेरे पैसों से क्या जा रहा है, आपकी वजह से चार लोग और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए। और फिर मैं कहूँ ये हमारे रूरल एरियाज में बहुत हुआ है। जी मेरी कंपनी है, एक ऑनलाइन फेक अकाउंट बना लिया जाता है, वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम है, 10-15 हज़ार में वेबसाइट बन जाती है। आप उससे इंश्योर करें कि चूंकि ये सारी कंपनीज, इनको कानून ने हैसियत दी है, तो इनसे पूछे कि कानूनी डॉक्यूमेंट दो। भाई कानूनी डॉक्यूमेंट के बगैर काम नहीं करता। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जितनी भी होती हैं उसके अंदर आप देखें प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, उसकी लीगल हैसियत क्या है उस इदारे की। जब ये दो चीजें क्लियर हो जाए कि शरण प्रिंसिपल एक्टिविटी भी ठीक है और कानूनी तौर से भी, अब उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, कोई शरीरी तौर पर मुजायका नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि नहीं जी वो प्रॉफिट देगा मुझे बस इतने इतने, मैं 2 हज़ार लगाऊंगा मेरे 10 हज़ार निकल आएंगे, ये सोच ठीक नहीं है। ये सोच ठीक है कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन इस तरीके से, ये तरीका इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो बिजनेस एक्टिविटी में भी शरिया परमिसिबल, प्रॉफिट इज शेयर्ड एज पर एग्रीड परसेंटेज ऑफ बिजनेस नॉर्म। मैं चाहूंगा जल्दी बात को तमाम करूं ताकि आज कुछ सवालात करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट इज शेयर्ड, प्रॉफिट शेयर करा जाएगा एज पर एग्रीड परसेंटेज ऑफ बिजनेस नॉर्म। आप पहले तय करेंगे प्रॉफिट कितना बटना है, या अगर नॉर्म है लोगों का कि आप 50-50 प्रॉफिट होता है तो 50-50 होगा, या पता है कि भाई जिसने जितना कैपिटल मिलाया है, किसी ने 60% दिया, किसी ने 40, तो प्रॉफिट भी इतना बटना है, तो ठीक है। लेकिन प्रॉफिट तय होना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल अक्सर लोगों के ये जबान जद आम बात है कि भाई तय करना हराम है। अगर तय कर दोगे हराम है, तय क्या तय करना हराम है? प्रॉफिट की परसेंटेज तय करना हराम है, या प्रॉफिट की रकम तय करना हराम है? इन दोनों बातों में फर्क है। प्रॉफिट की परसेंटेज तय करना तो जरूरी है, पता तो हो कि प्रॉफिट बटेगा किस तरह से, लेकिन एक होता है प्रॉफिट की रेट को, प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट को तय कर लेना। यानी मैं कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए मिला रहा हूं, मुझे प्रॉफिट 20 हज़ार रुपए चाहिए, ये गलत है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे प्रॉफिट 20% चाहिए, ये जायज है। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, हम कह रहे हैं 20% का मतलब है कि आप जो भी प्रॉफिट हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 2 हज़ार हो, 5 हज़ार हो, 20 हज़ार हो, उसका 20% मेरा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं कहूँ नहीं मुझे 20 हज़ार प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब मैंने उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी कि प्रॉफिट हो लॉस हो, 20 हज़ार ही प्रॉफिट हो, 21 हज़ार हो, 19 हज़ार हो, आप मुझे 20 हज़ार रुपये देंगे। इस बुनियाद के ऊपर आके जितने भी हमारी कन्वेंशनल स्कीम्स है, चाहे ये मनी सेविंग अकाउंट्स हो हमारे कन्वेंशनल अकाउंट्स के, या फिर हमारी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, ट्रेजरी बिल्स हो, यहाँ पे ही होता है। पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर्ज का है, आपका प्रिंसिपल गारंटीड रहता है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहता है ये लोन है। अगर कोई बोले कि नहीं, हमने तो इन्वेस्टमेंट की नीयत से दिया, रहे भाई आप जाके उनकी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़े, या बॉन्ड को आप लीगली उसको पढ़े, उसकी डेफिनेशन, बॉन्ड कहते ही कर्जे को है, ट्रेजरी बिल है ही कर्जा, आप कर्जे के ऊपर नफा लेंगे तो जायज शुमार नहीं होगा। और दूसरा कि हम प्रॉफिट को तय कर देते हैं, हम कहते हैं मुमकिन है कोई बोले भाई इस्लामिक बैंक भी इस तरह कहते हैं, वो कहते हैं आप 20% तक कमा लेंगे, तो हमेशा याद रखें इस्लामिक बैंक में हमेशा लिखा होगा, हम ये कोशिश करते थे कि लिखा हो अप टू इतना कमा लें। और ये अप टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कितने रेट पे की हुई है। यानी आप मुझे पैसे दे रहे हैं 1 लाख रुपए,
मैंने आगे जो इन्वेस्टमेंट की हुई है शरीय कंप्लायंट वे में, वो 10% पे की हुई है, तो मेरे लिए बताना आसान है कि मैं कितना प्रॉफिट दे सकता हूँ, अप टू कितना दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इतना ही देना है। हाँ, PSR तय होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय होगा, तो ये इस तरह से होता है। और यहाँ तक कि ये भी लिखा गया है शरिया स्टैंडर्ड्स में कि आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग को अपनी मार्केटिंग का टूल नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि इससे आता है कि आप फिक्स कर रहे हैं उसे आकर। लेकिन अगर कोई इस तरह से फिक्स करे कि आपको 10% मिलेगा और 10% आपको आपके कैपिटल पे मिलेगा, प्रॉफिट पे नहीं, कैपिटल पे, यानी आपने 1 लाख मिलाया, आपको 1 लाख पे 10,000, तो इसका मतलब आप फिक्स कर रहे हैं प्रॉफिट। लेकिन अगर कहा जाए कि आपको प्रॉफिट पे 10%, इसका मतलब प्रॉफिट जितना भी आएगा आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है। अब ये चीज आपके सामने क्लियर होगी तो आपके सामने बहुत सारे सेविंग सर्टिफिकेट्स, आपके सामने बॉन्ड्स, टीबल्स, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शेयर्स में शामिल नहीं, शेयर्स का हुक्म अलग है। शेयर तो ओनरशिप सर्टिफिकेट है और उसके अंदर जो डिविडेंड मिलता है वो तो आपकी मिल्कियत की वजह से मिलता है, तो बॉन्ड और शेयर का हुक्म अलग है। मस्ट नॉट कंटेन करंट एमआर, वही सारी चीजें, कि सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बता दी, बैंक सेविंग स्कीम्स मैंने आपको बता दी। आगे आ जाइए एजेंसी के ऊपर। एजेंसी, एजेंसी कहते हैं अकदे वकाला। अब जब मैं इसको बता दूंगा तो आप खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेल अलग चीज है, उसके राइट एंड ऑब्लिगेशंस अलग है, इजारा अलग चीज है, पार्टनरशिप अलग चीज है, एजेंसी अलग। एजेंसी क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज विच आर परमिजेबल बाय शरिया। आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं जो शरिया के हिसाब से परमिजेबल है। कोई बोले अरे ये तो इजारा लग रहा है, नहीं, मुकम्मल करें। बाय एजेंट, वकील देता है ऑन प्रिंसिपल बिहाफ, असील के बिहाफ पे, फर्क है। अगर मैं किसी को इजारा पर काम देता हूं तो उसका काम उसका है, लेकिन अगर मैं किसी को एजेंट बनाता हूं तो वो जो काम कर रहा है वो काम मेरा है। यानी अगर मैं किसी को इजारा की नमाज पढ़ा रहा हूं तो जो मैं पैसे दे रहा हूं, पैसे तो मैं दे रहा हूं उसकी सर्विस के बदले, लेकिन वो जो सर्विस है वो उसकी सर्विस नहीं है, वो मेरी 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 शुमार होगी। अगर मैं किसी को एजेंट बनाता हूँ जो कोई चीज खरीद कर ले आओ और वो जाता है खरीद कर लाता है, तो ये नहीं कह सकते कि वो खरीद के लाया तो वो मालिक बना है। हम बोलेंगे नहीं, ये मेरा एजेंट था तो मालिक मैं बना। ये फर्क है इजारा और वकाला में, दोनों में फीस है, दोनों में सर्विसेज है, पर एजेंसी किसी के बिहाफ पर होती है और इजारा में इस तरह से नहीं होता। अच्छा, इसकी क्या शरायतें? पहली शर्त है अहलियतुल मुताकिदैन, बात बहुत बार कर ली। नेचर ऑफ वर्क मस्ट बी परमिसेबल, जिस तरह हमने कहा इजारा के अंदर काम वो हो जो शरीय के मुताबिक ठीक है, इस तरह नियाबत उस काम की हो कि मैं कह रहा हूँ कि जाओ मेरे बदले चोरी करके आ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी कोई बोले कि मेरे बदले कोई गलत काम करो, ठीक है, तो ये भी गलत काम है। जैसे ये कोई ये भी मामला रहे थे, हालात जब खराब थे कि जी कत्ल करने के लिए भी मामला करते थे लोग, तो ये सारी चीजें। तो बहरहाल, नेचर ऑफ वर्क एक्सेप्ट एजेंसी एज पर शरिया, ये बहुत अहम है। हम कह रहे हैं एजेंसी उसके अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर एजेंसी शरण जायज है। जैसे हज, हज के अंदर आप किसी को नायब बना सकते हैं कि मेरे बदले आप हज कर लें जिंदगी में, लेकिन नमाज ऐसी नहीं है। हम बोले जी मैंने पैसे दे दिए हैं, वो बंदा मेरी बदले की नमाजें पढ़ता है, शरण नियाबत नहीं है। जब तक कोई इंसान जिंदा है नियाबत नहीं होगी। मैं कहूँ मेरे बदले यार रोजा आप रख लें, जब तक इंसान जिंदा है वो नियाबत नहीं करवा सकता। तो एजेंसी की एक शर्त ये भी है कि एजेंसी उस चीज में होगी जिसमें एजेंसी शरण जायज भी हो। बिजनेस में एजेंसी जायज है जाहिरन, अगर कोई कहे कि मेरे बदले आप काम कर लें। तो देखिए, एजेंसी एक ये हो सकती है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एजेंसी। हमने किसी को कहा है कि आप मेरे बदले क्या करो, काम करो, कारोबार करो। अब फर्क है इन दोनों में, पार्टनरशिप में और एजेंसी में। हालांकि दोनों में आप पैसे कमा रहे हैं, पार्टनरशिप में आप पैसे मिला रहे हैं। पार्टनरशिप में एक बात रह गई थी, बता दूं, अक्सर पूछा जाता है हमसे कि हमने ये कहा कि आप प्रॉफिट जो है वो ऐसे बांटेंगे जितना तय हुआ है, लॉस वैसे बांटेंगे कि जितना आपने कैपिटल मिलाया है, और आप अपना प्रॉफिट गारंटीड नहीं कर सकते, अपना कैपिटल गारंटीड नहीं कर सकते बाय फोर्स, बाय कंडीशन। लेकिन अगर पार्टनर खुद गारंटी कर दे, यानी मैं कहूँ कि आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करें, कोई बोले यार पैसे ना डूब जाए, मैं कहूँ मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। अगर मैं यूनिलैटरली गारंटी लेता हूँ अपनी तरफ से, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक नहीं है, तो जायज है, कोई हर्ज नहीं है, मैं अकेले जमानत ले सकता हूँ किसी की। लेकिन क्या मैं शर्त कर सकता हूँ कि नहीं तुम मेरे लिए गारंटोर होगे, ये जायज नहीं है। इन दो बारीक बातों को समझना है। बाज़ औक़ात हम हर चीज को नाजायज समझ लें या जायज समझ लें। बाय नेचर ऑफ पार्टनरशिप हम किसी को गारंटोर कंडीशनली नहीं बना सकते, लेकिन अगर वो यूनिलैटरली इंडिपेंडेंटली कह दे तो फिर जायज है, ठीक है।
अब एक मरतब हम पैसे कमाते हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में, वो पार्टनरशिप है। एक मरतब हम कहते हैं कि आप हमारे बदले बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करें, जिसे हम इन्वेस्टमेंट एजेंसी कहते हैं, वकालतुल इस्तिस्मार, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड ऑपरेटर, म्यूचुअल फंड जो है कंडीशनल इज नॉट अलाइट अलाउड। जी कंडीशनल अलाउ नहीं है, लेकिन अगर यूनिलेटरली इंडिपेंडेंटली हो जाए तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एजेंसी क्या होती है, म्यूचुअल फंड में हम जो म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो ये नहीं कहती कि आप हमें पार्टनर बन जाओ। वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और आपकी इन्वेस्टमेंट को हम आपके एजेंट के तौर पर आगे इन्वेस्ट करेंगे, आपको कमा कर देंगे। तो फर्क है दोनों में, एक है आपकी पार्टनरशिप और एक है आपकी इन्वेस्टमेंट। जब इन दोनों के नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, तो इनके राइट एंड ऑब्लिगेशन में भी फर्क है। जब भी मैं बार बार कह रहा हूँ, चीज के पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझना है। अच्छा, वकालत के अंदर क्या जरूरी है? वकालत के अंदर एक फीस होती है जो फीस दी जाएगी। इसका मतलब जो आपका फंड मैनेजर है, जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो आपका इन्वेस्टमेंट एजेंट है, उसकी जिम्मेदारी नफा और नुकसान की कोई नहीं है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी ये कि वो काम अपनी दयानतदारी से करे। अगर उसने कोई कमी की है, कोताही की, तो वो जिम्मेदार होगा, लेकिन उसने सब कुछ किया। नफा पूरा आपका है, 100% आपका है, नुकसान पूरा आपका है। जबकि पार्टनरशिप के अंदर नफा भी बटेगा, नुकसान भी बटेगा। अगर मुजारबा है, मुजारबा के अंदर देखे ना, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आपकी गारंटीड है, तो वो आप बाय फोर्स गारंटी नहीं कर सकते। वो बाय प्रोडक्ट कह सकता है कि मेरा प्रोडक्ट ये कि मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, तो हर्ज नहीं है कोई इसके अंदर। फिर समझे, मैं क्या पार्टनर के ऊपर गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी क्या आप मेरे पैसे नहीं गारंटी करके देंगे? लेकिन क्या मैं ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ कि जी मैं, आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करें, मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ये, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी खुद ले रहा हूँ। लेकिन क्या शरअन मैं जिम्मेदार बाय कॉन्ट्रैक्ट बनता हूँ? नहीं बनता। जबकि कर्ज के अंदर क्या होता है कि मैं बाय कॉन्ट्रैक्ट जिम्मेदार हूँ आपके पैसे आपको वापस करने का। ठीक है, तो इन बातों को गौर से सुनिएगा कि बाय नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीजें जायज है और बाय कंडीशन कौन सी चीजें जायज हो सकती है। वो सानवी हुक्म है, वो अव्वलीन हुक्म नहीं है, वो सानवी है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जब आप मुजारबा करते हैं, यानी एक बंदा पैसे मिलाता है और एक मरतबा काम करता है, तो नुकसान होता है। तो जिसने पैसे मिलाए उसके पैसों का नुकसान है, जिसने काम किया उसके काम का नुकसान है। बाज़ लोग कहते हैं नुकसान भी बटेगा। भाई नुकसान बट रहा है, जिसका पैसे का नुकसान था, पैसे की इन्वेस्टमेंट, पैसे का नुकसान, जिसकी मेहनत उसकी मेहनत। लेकिन एजेंसी में ऐसा नहीं है। एजेंसी में वो आपका पार्टनर नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपका पार्टनर नहीं है, वो आपका एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। लिहाजा लॉस होगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका। उसको किस चीज का हक है? वकाला फीस का। अपनी वकालत की फीस लेगा वो, इन्वेस्टमेंट एजेंसी की फीस लेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये गौर करने की बात है। पार्टनरशिप के अंदर अगर लॉस हो जाए तो पार्टनर नहीं कह सकता मुझे प्रॉफिट दो। भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कैसे दें आपको? ठीक है, लेकिन अगर वकालत है, वकालत में पार्टनर नहीं है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, उसकी फीस है। प्रॉफिट 1 लाख हो, तब भी अगर उसकी फीस 10,000 हो, उसको 10,000 मिलेगी। अगर प्रॉफिट 10,000 हो, तब भी उसकी 10,000 फीस रहेगी। प्रॉफिट ना हो, उसकी फीस रहेगी। तो ये फर्क है वकाला का और उसका। हाँ, अगर हम ये कह दें कि अगर तुमने परफॉर्मेंस अच्छी की और तुम अच्छे प्रॉफिट ले आए, तो हम तुम्हें प्रॉफिट में से भी देंगे, वो बात अलग है। बाय नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो अपनी वकाला फीस का जिम्मेदार है। तो ये हुक्म हो गया म्यूचुअल फंड्स का, इन्वेस्टमेंट एजेंसी का। म्यूचुअल फंड भी कन्वेंशनल भी होते हैं, जिनकी असल में बाज औकात, यहाँ पे एक बात और आखिरी सुन लें, बाज औकात मेरा और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ठीक होता है, जैसे हम कहते हैं इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स। लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस बाज औकात मसाइल का शिकार होते हैं, वो नॉन कंप्लायंट एक्टिविटीज करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट सूद इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो जब हम बताते हैं, तो हम ये बताते हैं अक्सर कि सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट को ना देखें, ये ना देखें ये जायज है नाजायज है, ये देखें उस कंपनी का नेचर ऑफ वर्क क्या है। वही बात है, अगर वो कंपनी सारी इन्वेस्टमेंट सूद ही अकाउंट्स में कर देती है और सूद आ जाता है, तो फिर देना क्या, नहीं एक मसला है। आप ये कहेंगे कि नहीं मेरा तो मामला ठीक है, तो आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन कर रहे हैं, तो आप हर चीज के रिस्क को देखते हैं, शरिया के रिस्क को पहले इवेल्युएट करें, अपने एंड पे भी करें, कंपनी के एंड पे। हाँ, ये जरूरी नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है हर चीज जानना है कि चीज कौन का बात है, कौन क्या करता है। प्रिंसिपल एक्टिविटीज ठीक होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी बात तमाम हुई। अब कुछ चैट्स में सवाल होंगे तो हम आखिरी से शुरू कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ये हमारी बात तमाम हुई, हमने इसमें इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजों को देखा। हमारा ये आखिरी सेशन था आज, और दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सबकी तात इबादत को खुशन, हमारे इस बोलने सुनने और इस इल्म दीन हासिल करने की कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। और इसमें बिलखसूस आप याद रखिएगा हमारे इदारे को भी,
इदारा इस सिलसिले में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है, इसको जरूर फॉलो करें और यकीन हम और मजीद प्रोग्राम इस तरह के कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, हमने देखा फाइनेंशियल टीचिंग्स को देखा, सेल कॉन्ट्रैक्ट को देखा, हमने जो भी बातें की है बहुत मुख्तसर मुख्तसर की है, यानी यकीन कीजिए ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन बहरहाल कुछ तो करना अच्छा ही है और इंशाल्लाह तफसील से भी किया जा सकता है बाद में दोबारा से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, 20 न्यू मैसेजेस चलें, जाहिर अनकंडीशनल गारंटी इज अलाउड ऑफ कोर्स। रापता नंबर भी है, आप मुझे पर्सनली नहीं आ रहे, नहीं क्या लिखा है, तो बहरहाल मुझसे रापता कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें मैंने मैनेज इसके अंदर बता दी हैं। कोशिश कीजिएगा कि खुद दोबारा भी लेक्चर सुनना चाहें तो सुन लें, किसी को रिकमेंड करें तो रिकमेंड भी कर सकते हैं। एक मरतबा फिर से अपना ख्याल रखिएगा, आवाज आ रही है, चले प्लीज सेंड PDF बुक ऑफ रिबा अब्बास काइंडली। मैं कोऑर्डिनेटर जो सादिक इंस्टीट्यूट के अब्बास, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुक को जरूर शेयर कर दें रिबा की। और ये प्रोग्राम, इसमें तफसीली प्रोग्राम है, ये कल से शुरू हो रहा है, हलाल जुरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक फाइनेंस का, और हमारे दोस्त हैं मुर्तजा भाई, इनका नाम लिया था मैंने और इनका मैसेज भी किया, तो इनका ये जोक बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड नाम ही कंपनी पे होता है, जी क्या करते हो, मेरी ये कंपनी है, तो कंपनी वाले से पूछ लें कि SCCB के रजिस्ट्रेशन दिखाओ और उसका लाइसेंस भी दिखाओ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं होता, लाइसेंस भी होना चाहिए जो वो काम कर रहा है उसका। ठीक है, ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा इस्लामिक फाइनेंस हलाल जुरिस्प्रूडेंस का, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ इस्लामिक फाइनेंस नहीं है बल्कि हलाल का मौजूद बहुत अहम है, हलाल फूड बेवरेजेस कॉस्मेटिक पर्सनल केयर हेल्थ केयर सर्टिफिकेशन, आप खा रहे हैं चीजें ले रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं, ग्लोबल विलेज है वहां पे, चीजों के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, शरण जायज है, इस्तेहाला हुआ है नहीं हुआ, एक्सपर्ट बताएंगे आपको। पाकिस्तान में हलाल अथॉरिटी है, पाकिस्तान में हलाल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल हलाल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीजें बहुत अहम, और ये चीजें ये सारी इसलिए है कि ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आप तशवीश पैदा करें अपने अंदर, शौक पैदा करें हलाल के लिए, तशवीश नहीं, लोग परेशान हो जाते हैं हलाल, अरे हलाल हराम, नहीं, शौक पैदा करें, यार मैं हलाल चीज क्यों ना ले लूं, हलाल का मतलब सिर्फ वो हलाल नहीं है तय्यब भी है, जब कहते हैं ना हलालन तय्यबा, तो हलाल भी है तय्यब भी है, उसके अंदर जो आपके हाइजेनिक सारे प्रोटोकॉल्स उनको भी देखा गया है। तो इस मौजू के ऊपर हमारे प्रोग्राम है, 1 महीने का प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होगा, इसमें हाई एक्सपर्ट्स आते हैं जो प्रोग्राम करेंगे, के बाद सर्टिफिकेट सब मिलेगा, सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट इतना कोई अहम चीज नहीं होती, लेकिन बहरहाल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इदारा है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको देगा, अगर हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी फीस होगी यकीनन, और इसकी फीस भी 1000 रुपये रखी है हमने, तबरुकन रखी है वरना लोग आते नहीं, और ये तो हमने बगैर किसी फीस के प्रोग्राम हो पाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ रहा, इंशाल्लाह के रहा रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सलाम वालेकुम। मेरा नंबर भी अगर चाहे कोई तो कोऑर्डिनेटर के पास है हमारे, वो ले सकते हैं, दोस्तों के पास होगा, इल्तिमास दुआ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।